उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मूल्य वर्धित कर यानी वैट के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए दक्षिण अलशरकिया गवर्नरेट में कई दुकानों और वाणिज्यिक केंद्रों का दौरा किया। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, महामहिम सुलेमान बिन अली अल हिकमानी उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष दक्षिण शर्किया के कई केंद्रों और दुकानों का दौरा कर रहे हैं। यह वैट के उचित अनुप्रयोग के उद्देश्य से है। राष्ट्रीय सांख्यिकी और सूचना केंद्र यानी NCSI के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक 50,000 से अधिक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्यमों को लघु और मध्यम उद्यम विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है। NCSI द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, मार्च 2021 के अंत तक 2020 तक की समान अवधि की तुलना में 17.2% की वृद्धि के साथ 51,663 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रियादा के साथ पंजीकृत किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमान में 2,554 नए कोरोना वायरस मामले और 33 मौतें दर्ज की हैं। देश में कुल मामले अब 1,95,807 हैं, जिनमें से 1,76,833 अब स्वस्थ हैं और 2,043 का निधन हो चुका है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।